दोस्तों आज के टाइम में लगभग 90% बीमारी का कारण होता है स्ट्रेस, यानी कि तनाव। तनाव के कारण एक आम इंसान की जिंदगी में काफी तरह की परेशानियां बनने लगती हैं, उसके शरीर में काफी तरह की बीमारियां जन्म ले लेती हैं। तो ऐसे में उसकी बॉडी से स्ट्रेस का कम होना काफी जरूरी होता है। और वो अपने स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं? दोस्तों अगर कोई इंसान ज्यादा स्ट्रेस में रहता है तो उसकी बॉडी में काफी तरह की परेशानियां बन सकती हैं। ज्यादा स्ट्रेस के कारण आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपके दिल की धड़कन बढ़ सकती है, जिसका असर आपके दिल की सेहत पर पड़ता है, आपको दिल से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। ज्यादा स्ट्रेस के कारण आपका जो नींद का पैटर्न होता है यह भी बिगड़ सकता है, जिसके कारण आपका शरीर जो होता है वो वीक महसूस करने लगता है, थकान महसूस करने लगता है और कहीं ना कहीं आपकी जो भूख होती है उसमें भी गिरावट आती है। ज्यादा स्ट्रेस के कारण आपकी बॉडी में वीकनेस भी आने लगती है, आपकी जो भूख होती है वो सही नहीं लगती, जिसके कारण आपकी बॉडी में काफी तरह के विटामिन पोषक तत्वों की भी कमी आने लगती है और भी काफी तरह की समस्याएं बन जाती हैं अगर कोई भी इंसान ज्यादा स्ट्रेस में रहता है। तो ऐसे में स्ट्रेस से आप कैसे बच सकते हैं? देखो काफी लोग सोचते हैं कि आप खुद को बिजी रखकर या मूवीज देखने से या कहीं घूमने से आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता। दोस्तों अगर आप अपने स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज पर ज्यादा ध्यान देना, यानी कि आपको रोजाना वर्कआउट करना होता है। जितना आप खुद को थकाते हैं, जितना आप अपनी आपकी जो बॉडी होती है वर्क करती है, थकती है, पसीना बाहर निकालती है, उससे क्या होता है, आपके ब्रेन से जो स्ट्रेस का केमिकल होता है वो बर्नआउट होता है, जिससे आप स्ट्रेस से छुटकारा पा सकते हैं। सिर्फ मूवीज देखने से या घूमने से आप अपने स्ट्रेस को कम नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप तनाव जैसी समस्या से छुटकारा पा सकें तो आपको वर्कआउट करना होगा। वर्कआउट ही एक ऐसा वे होता है जिससे आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं।